हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है रासायनिक बल गतिकी, और रासायनिक बल गतिकी में हम लोग पिछले वीडियो तक सक्रिय ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं और कोलिजन थ्योरी या संघट सिद्धांत जो था या टक्कर सिद्धांत जो था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे आरएनएस सिद्धांत के बारे में, और आरएनएस सिद्धांत का संकीर्ण ऊर्जा के साथ क्या संबंध है इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो आरएनएस सिद्धांत जो है वो क्या था। आरएनएस एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा कि जब भी कोई भी अभिक्रिया होती है और अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं, यानी कि अभिकारक जब आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, और क्योंकि हमने इतना तो पढ़ ही लिया अभी तक कि अभिकारक जो हैं उनके अणुओं में आपसी टक्करें होती हैं और उन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं। तो आरएनएस ने क्या कहा, कहता कि जिन जिन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं, जो जो अणु आपस में टकराते हैं और उत्पाद की फॉर्मेशन कर देते हैं, उन अणुओं को क्या कहा जाता है, सक्रिय अणु कहा जाता है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कह रहा हूं कि अभिक्रिया में केवल सक्रिय अणु ही उत्पादों का निर्माण करते हैं। ठीक, सक्रिय अणु होते कौन से हैं, तो सक्रिय अणुओं की जब बात होती है, सक्रिय अणु उन अणुओं को कहा जाता है जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप टकराने की या टक्कर करने की ऊर्जा उनमें होती है। ठीक है, यानी कि सभी अणुओं के अंदर ऐसी ऊर्जा नहीं होती, कुछ अणु होते हैं जिनमें की अतिरिक्त ऊर्जा पाई जाती है जिससे कि वो टकरा सके। उस अतिरिक्त ऊर्जा को ही फिर आरएनएस ने क्या नाम दिया, सक्रिय ऊर्जा नाम दिया। ठीक, सक्रिय ऊर्जा जिसको कि हम इंग्लिश में एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गई है। क्लियर, अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है जिन अणुओं के पास होगी उनको तो हमने सक्रिय अणु कह दिया। सक्रिय अणु जो है उनका कोई ना कोई फिर वेग होगा, यानी कि जब वो अभिक्रिया करेंगे और उत्पाद बनाएंगे तो कोई ना कोई वेग होगा अभिक्रिया का। उस वेग का इस सक्रिय ऊर्जा के साथ क्या संबंध है, इसको आरएनएस ने एक समीकरण के द्वारा समझाया था, और वो समीकरण जो है उसको ही हम आरएनएस समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आरएनएस समीकरण जो है, देखो भाई आरएनएस समीकरण क्या होती है, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ई ए अपॉन आर टी, इस समीकरण को भी आरएनएस समीकरण कहा जाता है। आरएनएस समीकरण, ठीक, इस आरएनएस समीकरण में क्या किया गया कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक था उसका सक्रिय ऊर्जा के साथ एक संबंध स्थापित किया गया। यहां पे कौन सी चीज क्या है, मैं सबको डिफाइन कर देता हूं। k इज इक्वल टू यहां पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अगर मैं a की बात करूं तो a को बोलते हैं पूर्व चर घातांक की कारक या फैक्टर। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, पूर्व चर घातांक की कारक। ये जो है उसको हम बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा। आर जो है वो है गैस नियतांक, और गैस नियतांक की वैल्यू जो है आपने यहां पर 8.314 यूज करनी है, और टी जो है भैया वो टेम्परेचर होता है, या फिर आप उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप कहते हैं। क्लियर है, तो ये आरएनएस समीकरण होगी। आरएनएस ने क्या कहा था, उसने कहा था कि भी जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणु हैं, वो सारे अणु जो हैं वो उत्पादों में नहीं बदलते, केवल वो अणु ही
उत्पाद बनाते हैं जिनके अंदर संकीर्ण ऊर्जा होती है। संकीर्ण ऊर्जा जो है उनमें टक्करों के फलस्वरूप पैदा होती है। संकीर्ण ऊर्जा की अगर परिभाषा की बात करें तो वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो किसी भी अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ गई ये वाली सारी बात, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और आगे कुछ छोटे छोटे डेरिवेशन है उनको मैं यहाँ पर डिराइव करूंगा। संकीर्ण ऊर्जा जो है और अभिक्रिया का जो वेग नियतांक है इसके बीच में संबंध तो ये है, लेकिन अगर हमें संकीर्ण ऊर्जा की गणना करनी है तो वो इस समीकरण से नहीं हो पाती। तो अपने क्या करेंगे, इस समीकरण को ना थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है संकीर्ण ऊर्जा की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और संकीर्ण ऊर्जा की गणना जो है वो दो तरीके हैं भैया, दो पैटर्न से अपन कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो है ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि जो है, ग्राफीय विधि से हम किस प्रकार से संकीर्ण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं। देखो आरएनएस समीकरण इज इक्वल टू क्या है, के ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक, दोनों तरफ अपने नेचुरल लॉग लेते हैं। ठीक है, दोनों और प्राकृतिक लॉग लेने पर तो नेचुरल लॉग जो लेने के लिए हो जाएगा एल एन के इज इक्वल टू, अब ये जो ये है इसको भी हम थोड़ा चेंज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन के। ठीक है, एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी एल एन के, बात क्लियर हुई। अब अगर अपन एल एन को जो है नेचुरल लॉग की बजाय न्यूमेरिकल लॉग में चेंज करें तो देखो ln की जगह क्या आ जाता है भाई, ln जब भी इसको न्यूमेरिकल लॉग में बदलते हैं तो 2.303 log 10 आ जाएगा इसमें। तो यहां पर क्या करते हैं 2.303 log a log 10 में 10 लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा आप log लिखोगे तो उसका मतलब log 10 ही होगा। 2.303 log a is equal to माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस 2.303 लॉग के लिख दिया। ठीक, अब इसके अंदर क्या है कि जो 2.303 है ना उसको हमने हटाना है यहां से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें 2.303 है उसको यहां से हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, दोनों साइडों में ना 2.303 से भाग दे देते हैं। तो जब मैं इसको भाग दूंगा, देखो यहां पर 2.303 को भाग दूंगा तो log k बच जाएगा क्या, हाथ से देखो तो देखो यहां मैं सीधे लिख रहा हूं log k बचेगा माइनस ea अपॉन 2.303 rt बच जाएगा प्लस log k बच जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत कोई, समझ में आया? तो इस प्रकार से ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन से हम क्या कर देंगे, यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लाइक इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ देखो ये है इस इसके बीच में log k और 1 upon t के बीच में ग्राफ है, log k और 1 upon t के बीच में। तो log a और log k और 1 upon t को तो देख ही रहे हो कहां-कहां पे है, ये रहा log k और ये रहा 1 upon t। ठीक, जब हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ जो है आपका वो बन जाएगा इस प्रकार से, जो इसकी ढाल होगी वो होगी माइनस ईए अपॉन 2.303 आर, और ये वाला जो है ये हो जाएगा अंतःखंड, और अंतःखंड बराबर कितना आ जाएगा लॉग ए आ जाएगा। बस ऐसे करके इसका ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ से जो है वो संकीर्ण ऊर्जा की गणना हो जाएगी। तो ये ग्राफ बनाने का तरीका है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए और ग्राफ जो है वो कैसे ड्रॉ करना है ये आपको आना चाहिए, बात क्लियर हुई। अब जो इसका दूसरा मेथड है
उसकी हम बात करते हैं। सेकंड मेथड जो है वो कैलकुलेशन मेथड है, यानी कि गणितीय मेथड है और उसको ही ज्यादा यूज किया जाता है गणितीय मेथड को। तो देखिए मैथमेटिकल या गणितीय विधि क्या है, इसकी गणितीय विधि, ठीक है। गणितीय विधि में क्या है कि अपने जो आरएनए समीकरण है उसको हम अलग अलग टेम्परेचर पे यूज करते हैं, देखो ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे। तो देखो भिन्न भिन्न ताप पर, भिन्न भिन्न ताप पर सॉरी लॉग के वन इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी वन प्लस लॉग ए, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। टेम्परेचर टी वन है और टी वन पर जो उसका वेग है, वेग के नाम जो है वो के वन है। इक्वेशन नंबर इसको चलो हम वन ले देते हैं। और फिर दूसरा देखो log k2 is equal to minus ea upon 2.303 r t2 plus log a, equation number 2 हो गया ये, clear है। अब क्या करना है, इन दोनों equation को हम लोग क्या करेंगे, आपस में compare करेंगे या फिर समीकरण दो में से एक को घटाने पर, दो से दो में से अपने एक को माइनस करते हैं। तो देखो लॉग के टू माइनस लॉग के वन हो जाएगा, के टू ये रहा, इस के टू की वैल्यू ध्यान रखो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू प्लस लॉग ए माइनस इस वैल्यू को उठा के यहां रख देते हैं पूरी की पूरी को, तो ये जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन प्लस लॉग ए हो जाएगा। समझ में आई बात। अब यहां पर एक चीज और देख लो भाई, भाई अगर ये माइनस है तो ये निशान आपस में जो साइन है चेंज होने चाहिए ना, तो मैं इसी स्टेप में चेंज कर देता हूं। ये देखो इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्या कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बचा है, माइनस ये अपॉन 2.303 आर बचा है इसके अंदर, तो इसको अपन क्या कर लेते हैं कॉमन लेंगे क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू है, आपस में कैंसिल इसको हमने नहीं करना है। तो हम पूरे को ही क्या कर देते हैं कोमल ले लेते हैं। तो कोमल लेंगे तो देखो भैया ea upon 2.303 r जो है वो कोमल आएगा, बाकी चीज कोमल नहीं आएगी। तो देखो log, अच्छा एक चीज और भी चेंज कर देते हैं, log k2 minus log k1 है तो इसको log k2 upon k1 लिखा जा सकता है, तो इसको तो हमने चेंज कर दिया log k2 upon k1 में। इसमें क्या किया ea upon 2.303 आर इसको हमने कोमल लिया, कोमल लेने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज करा कि इसको मैंने पहले रखा और इसको बाद में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि 1 अपॉन टी वन पहले आ जाएगा और माइनस 1 अपॉन टी टू बाद में आएगा। समझ में आ गई होगी यहां तक बात को, ठीक है। अब इसमें अपन थोड़ा सा और एक स्टेप चेंज कर देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर, और फाइनल फॉर्मूला जो हमारे पास बनेगा वो ये बनेगा भाई log k2 upon k1 is equal to ea upon 2.303 r, इसमें से t1 t2 का लघुगणक ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा t1 t2 और ऊपर आ जाएगा t2 minus t1, फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इससे आप क्या करोगे, एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसका मान ज्ञात कर सकते हो इससे, ठीक। ये अपना फॉर्मूला ये रहेगा।
दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अब इसके ऊपर मैं आपको एक सवाल करके बता देता हूं कि इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए, तो देखो बच्चों, ये एक सवाल है। देखो, एक अभिक्रिया का ताप 298 केल्विन से 308 केल्विन कर दिया जाता है। जब ऐसा करते हैं, मतलब 298 से 308 करते हैं, तो उसका वेग दोगुना हो जाता है, वेग दोगुना बढ़ जाता है। इस अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा ज्ञात करो, ये अपना सवाल है। इस सवाल में देखो करना कैसे होता है, सवाल में थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या है कि यहां साइड में आपको लिख लेना होता है कि क्या क्या चीजें उसमें दी गई हैं, ठीक है? तो देखो, इसमें T1 ताप दिया हुआ है, यानी पहले कितना ताप था, 298 केल्विन ताप था, ठीक है? फिर कितना कर दिया उसको बढ़ाकर, 308 केल्विन कर दिया, ठीक। फिर वेग कितने गुना हो जाता है, यानी कि वेग दो गुना हो जाता है, तो इसका मतलब K2 जो वेग था और जो K1 था, इनमें ये रिलेशन बनेगा, ठीक है? K2 is equal to 2K1, यानी कि पहले K1 था ना, तो K2 दुगना हो गया, इसका मतलब ये K2 is equal to 2K2 K1 आ जाएगा। और अगर आप इसको K2 upon K1 करोगे तो बराबर 2 आएगा, ठीक है? K1 को इधर लेके जाओ, K2 upon K1 is equal to 2, ऐसा आ गया। और कोई चीज इसमें दी नहीं हुई, अपने को R की जरूरत पड़ेगी, तो R जो है 8.314 यूज करना है आपने, ये अपना डाटा जो है इसके अंदर दिया होगा। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, log K2 upon K1 is equal to E upon 2.303 R upon into T2 minus P1 बटा P1 T2, ऐसे करके ये हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो जो दिया है ना उसकी वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ K2 upon K1 तो मैंने बता दिया 2 आ जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा log 2। ये अपने को याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 2.303 आ जाएगा और R कितना आ जाएगा, 8.314 आएगा। आगे चलो, T2 minus P1 करेंगे तो T2 कितना है, 308 है, P1 कितना था, 298 था, तो कितना बचेगा, 10 आ जाएगा ना, तो EA गुणा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब ऊपर वाली डिजिट जो है वो 10 हो जाएगी। फिर नीचे क्या है, T1 into T2 है, तो T1 कितना है, 298 और T2 कितना है, 308 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपने को, जो चीज याद करनी, मतलब ईए याद करनी, तो ईए को अकेला छोड़ दो और बाकी सारे एक साइड में ले जाओ सभी को, ठीक? तो देखो, ईए बराबर, मैंने ये इधर लिखा और मैं ईए की वैल्यू लिखता हूं, देखो कैसे निकालेंगे इसको। तो log 2 की जगह अपन वैल्यू यूज करते हैं सीधी, 0.3010, ठीक है? log 2 की जगह हमने क्या यूज करा, 0.3010 इनटू 2.303 गुणा 8.314 इनटू 298 गुणा 308 बटा 10, क्लियर? जो 10 है वो बटा में आ जाएगा। पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 52,897 आ जाएगा जूल पर मोल, क्योंकि ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा का जो यूनिट है वो जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक है? किलो जूल में बदल, किलो जूल में बदल, 1000 से भाग दे दो इसको, तो 52.897 kJ मोल इनवर्स, ठीक है? तो ये ऐसे करने हैं। यहां पर जो ये मैंने कैलकुलेशन करी है, ये तो क्या डायरेक्ट आंसर मैंने लिख दिया, इसमें थोड़ा सा जो गुणा भाग है इसका थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन घबराना नहीं है आपने, ये आसानी से आप कर सकते हो, थोड़ा धीरे इसको करना, सॉल्व हो जाएगा
और आंसर जो है वो बड़े बड़े आंसर आते हैं इसके इस टाइप के, तो ये आपको इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। अगर आपको टेम्परेचर जो है यहां पर वो केल्विन की बजाय डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो उसको चेंज कर सकते हो केल्विन में, केल्विन में चेंज कर सकते हो, केल्विन में चेंज करके और उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। ये 2 गुना 3 गुना 10 गुना 50 गुना जितना भी होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक। आर की वैल्यू आपको याद है 8.314 यूज करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जब कैलकुलेशन करोगे आप तो ये सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्लियर हुई बात। और भी इसमें जैसे आपकी बुक्स में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं तो उन न्यूमेरिकल को भी आपने सॉल्व कर लेना है।